वन न्यू ब्लॉग हेमा एंड क्रिश ब्लॉग में है आपका स्वागत। आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ गाड़ी से, क्योंकि जा रही हूँ मैं कहीं पे और पहुँच के आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और मेरे साथ बनी है और मीनू है। बनी तो अचानक मुझे कहीं जाना पड़ गया है, तो ब्लॉग में बने रहेगा लास्ट तक, तो आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। वो साईं जी घर पे ही हैं, वो ऑफिस जा रहे हैं, मैं कहीं और जा रही हूँ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बनी महाराज को तो लग रहा है डर। क्या हुआ बनी? आराम से बैठ के मजे ले रही है। सॉरी, ये ले रहा है और ये है ले रही। हाँ, गुस्सा क्यों हो रहा है बनी? मम्मी के घर जा रहे हैं। तो बस गाइस, जल्दी से जल्दी मम्मी के घर पहुँच जाएंगे। और मम्मी के घर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही है और तो साईं जी के ऑफिस में बहुत सारा काम है। बेचारे कल भी ऑफिस से छुट्टी लेके, मतलब छुट्टी नहीं, जल्दी आ गए थे, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मैं मम्मी के घर चले जाती हूँ थोड़े दिन के लिए, जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊँगी। तो आज हम देखेंगे कि हम मम्मी के घर जब जाते हैं तो रास्ते में क्या क्या पड़ता है। फ़िलहाल अभी तो हम हैं इंडियन एक्सप्रेस वे पे, मतलब हाईवे पे, और ये फ्लाईओवर है इसका, और अभी हम जा रहे हैं ऑन द वे। आप देखो, और मैं कैब से जा रही हूँ। इसको देखो जरा, डर के मारे इसकी किसी हालत हो रही है। गाड़ी में बैठ के जा रहा है, हवाई जहाज में थोड़ी ले जा रही तेरे को। ओ, दूसरी कांग ये रही। मीनू, वो गेट खोलने जा रहा है कि उसको कह रहा है, वो कह रहा है मुझे बाहर आना है। नहीं बनी, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है उसको। तो देखो ये गाइस, ये नया अंडरपास बना है नोएडा और गाजियाबाद से, जो भी दिल्ली के लिए जाता है तो यही अंडरपास यूज करता है। ये देखो, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। देखो कितना सुंदर डिजाइन करा हुआ है, मतलब इतनी सुंदर पेंटिंग बना रखी है, लगता ही नहीं है कि हम अंडरपास से जा रहे हैं। नहीं तो पहले अंडरपास में सिर्फ अंधेरा नजर आता था। देखो अभी हम लोग निकल रहे हैं अंडरपास से। कितनी सुंदर ड्राइंग बना रखी है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये सारे कल्चर्स के बारे में दिखाया गया है। अंडर पर
पास हो गया ख़त्म। और इन दोनों को देखो क्या हो गया, तुम दोनों को डल ओए डर लग गई है तुम्हें, तुम्हें डर लग रही है मनु? हाँ डर लग रही है मेरे। तो हम मंडल पास से बाहर आ चुके गए। मीनू मनु देखो डर लग रही है। हमारा इंडिया गेट देखो, ये दिख रहा है यहाँ से इंडिया गेट, इतना सुंदर हो गया ना, बिल्कुल ग्रीनरी हरियाली हरियाली है। अब देखो ध्यान से, इंडिया गेट है हमारा, मतलब मोदी जी ने तो काया पलट कर दिया, बिल्कुल इतनी हरियाली। इसे बोलते हैं सुंदरता, देखिए कभी इतने फूल एक साथ, वाह। इसे ये जो जगह रास्ता है इसको बोलते हैं तीन मूर्ति मार्ग। अब देखिए इतना सुंदर व्यू आने वाला है ना, ये देखिए यहाँ पे लगे हैं फाउंटेन। डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट है गाइस, ये देखो यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर फौजी वगैरह की वो होती होगी ना ट्रेनिंग। वलाकुवा मेट्रो स्टेशन जहाँ हम पहुँच चुके हैं। इन दोनों को देखो अभी भी ऐसे बैठे हुए हैं, बैठे हुए दोनों। तो गाइस घर मम्मी के घर आके मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और ये रही मेरी माता श्री। हेलो हाय गाइस, हाय गाइस। तो अभी मैं चाय और नमकीन और यहाँ रस है, तो मिलते हैं चाय पीने के बाद घर में। गाइस को खाना दिखा रही हूँ अपना, तो मम्मी ने बनाई है ये क्या है, आलू मेथी, वो भी आलू मेथी, और ये है दाल भात, मैं भी खाऊंगी यार थोड़ा सा, मेरे पापा दलिए का भात खाते हैं। और यहाँ पे सलाद भी काट दिया मम्मी ने, तो भाई ये तो उतने बिल्कुल चमका दिया। ये है ना और बनी का कटोरा है, और ये हूँ मैं। तो गाइज आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे सुबह नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग को देखिएगा, आज वैसे तो कुछ खास है नहीं, बस दिखाया है मैंने जब मैं आ रही थी रास्ते में, तो व्लॉग को पूरा देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल सुबह, सॉरी कल सुबह।